नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की जमीन को लेकर के अभी एक बड़ा विवाद सामने आया था और अब ताज़ा मामला अयोध्या एयरपोर्ट की जमीन के अधिग्रहण का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के किसानों द्वारा लगाई गई जबरन जमीन अधिग्रहण वाली याचिका पे अयोध्या जिला प्रशासन से जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने प्रशासन को जमीन अधिग्रहण नीति के साथ 29 जून को हाजिर होने के लिए भी कह दिया है। यूपी सरकार अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहती है। इसके लिए प्रशासन द्वारा धर्मपुर शहादत गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। इसी को लेकर के कुछ किसान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचे। उन्होंने जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच में इस मामले को रखा और उन्होंने इसकी सुनवाई की। किसान पंचम राय प्रजापति समेत 107 किसानों ने अपील दायर की है और उसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन जबरदस्ती जमीन ले रहा है और कम कीमत पर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। आरोप ये भी है कि जिला प्रशासन ना तो उचित मुआवजा दे रहा है और ना ही जमीन अधिग्रहण के नियमों को सही तरीके से लागू कर रहा है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 19 जून को अयोध्या के जिलाधिकारी और SDM को तलब किया है। दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होना है और 25 जून को सुनवाई के दौरान प्रशासन ने ये पूछ भी लिया कि किस तरह से किसानों की जमीन ली जा रही है, किस सर्किल रेट से और किन नियमों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। सारी जानकारी प्रशासन से ली गई है और 29 तारीख को प्रशासन इन सवालों का जवाब देगा। और ये मैं आपको बता दूँ कि किसानों ने ये याचिका अप्रैल में दाखिल की थी। इस पर 11 जून को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फिर इसकी जो अगली सुनवाई थी वो 25 जून को हुई और अब 29 जून को सुनवाई मुकर्रर की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी के CM और दोनों डिप्टी CM के साथ अयोध्या में जारी विकास कार्यों पर बैठक की और मीटिंग में PM मोदी ने अयोध्या विजन के बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद PM ने बैठक में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट पे अपने सुझाव रखने के लिए कहा और अयोध्या में विकास के काम राम मंदिर बनने से पहले पूरे कर लिए जाएं, ये भी उन्होंने उनको हिदायत दी। तो ये एक नया मामला अयोध्या में शुरू हो गया है। किसानों की ओर से उन्होंने एक याचिका लगाई है। इस पे 29 जून को क्या होता है इसका मैं अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। आप को मेरा ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।